चंदौली के बलुआ थाना क्षेत्र में गोलियों की तड़तड़ाहट में वर्तमान प्रधान पति पंकज सिंह की मौत। बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भूना। पिछले साल भी गोलियों की तड़तड़ाहट में उस समय रहे वर्तमान प्रधान मनोज यादव की हुई थी हत्या। इस बार गोलियों की तड़तड़ाहट में वर्तमान प्रधान पति पंकज सिंह की हुई हत्या। बता दें कि पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। चंदौली के बलुआ थाना क्षेत्र के महरौड़ा गांव मंगलवार की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा लोगों का दिल। बाइक सवार बदमाशों ने टहलने निकले 35 वर्षीय प्रधान पति नित्यानंद उर्फ पंकज सिंह को गोलियों से भून डाला। बता दें कि पंकज को 5 गोलियां लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर बदमाश आराम से फरार हो गए। घटना से आसपास के क्षेत्र सहित गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। मृतक पंकज गांव के पूर्व प्रधान मनोज यादव की हत्या में आरोपित था और हाल ही में जेल से छूटकर आया था। बता दें महरौड़ा गांव के प्रधान संगीता देवी के पति पंकज सिंह मंगलवार को तड़के अपने खेत के पास मशीन पर टहल रहे थे। एक बाइक के पास दो बदमाशों ने पंकज को 5 गोलियां दागी। पंकज की मौत हो गई। बदमाश आराम से फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर गांव के लोग घटना स्थल की ओर दौड़े और पुलिस को सूचना दी। बता दें कि बलुआ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा नाकेबंदी कर दी गई है। अपराधियों की जोर शोर से तलाश की जा रही है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए भूप नारायण मौर्य की खास रिपोर्ट। हत्या हुई है सर, क्या मामला है और क्या कार्रवाई हुई है सर? आज थाना बलुआ अंतर्गत ग्राम महरौरा पर ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति पंकज सिंह, इनके ऊपर कुछ फायर किए गए हैं कुछ व्यक्तियों के द्वारा तथा जिससे इनकी मौके पर मृत्यु हो गई है, जिस पर तत्काल SHO बलुआ, CO सकलडिया, CO सदर तथा अन्य थानाध्यक्ष, एडिशनल SP नक्सल एवं मैं स्वयं मौके पर पहुंचकर हमने जो चक्षुदर्शी हैं उनसे बात की है। उसके आधार पर हमें बड़े इम्पोर्टेंट लिंक मिले हैं जिससे इस घटना में जो लोग शामिल हैं उनका जल्द ही खुलासा होने में मदद मिलेगी। सर, जो जिनकी मृत्यु हुई है सर, तो हत्या हुई है, तो उनके खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है? ये पूर्व में इनके ऊपर एक हत्या का मामला चल रहा था, जैसा कि मेरी जानकारी में संज्ञान में अभी तक आया है, तथा अन्य जो इनका आपराधिक इतिहास है उसके बारे में भी मैं अभी जानकारी कर रहा हूँ। आपराधिक इतिहास इनका रहा है और ये अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्च में बेल पर छूट करके आए थे और एक मर्डर केस में, पूर्व के मर्डर केस में जेल में थे। सर, किसी की इससे संबंधित किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है इस केस में? जो हमें महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं उसके अनुसार दबिश दी जा रही है तथा कुछ लोगों को कस्टडी में लेकर के पूछताछ की जा रही है।